Now raise your both hands up. Paschimottanasana. Bend forward. ये 20 टाइम्स तक होल्ड कीजिए. होल्ड इट फॉर 20 टाइम्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे. और एक बार इसका प्रैक्टिस करेंगे. 1, रेज बाय इनहेलिंग एंड बेंड फॉरवर्ड बाय एक्सहेलिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स. हाँ, ये सभी हमारे स्टमक के ऑर्गन्स के लिए, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर और पैनक्रियास के लिए भी बहुत ही अच्छा है. पूरा हम जब बेंड करते हैं ना, तो प्रेशर अच्छा आपको फील होनी चाहिए. हाँ, थोड़ा सा पेन महसूस होनी चाहिए और प्रेशर, प्रेशर से वो पेन होता है वो महसूस होनी चाहिए, तभी तो ये काम करता है. जब भी आप फॉरवर्ड बेंड करने करते वक्त नी को स्ट्रेट ही रखना है, फोल्ड नहीं करना. ओके, अब करेंगे वक्रासन. वक्रासन में इसे स्ट्रेच कीजिए और योर लेग शुड बी इरेक्टेड एंड आपके फुट नी के बाद जो ऐसे रखना है और एल्बो से पुश करते हुए एंकल को पकड़ के पीछे देखना है. पीछे जितना होता है उतना ट्विस्ट कीजिए अपनी कमर को और होल्ड कीजिए. 1 to 10 काउंट्स. नहीं नहीं सही है, ऐसे अपोजिट हैंड से पकड़ना है. हाँ, पीछे देखिए, पीछे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. अब fold कीजिए. Opposite leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. ये था वक्रासन. वक्रासन में ये हो गया, ये बेसिक पोस्चर है. और एक है अर्ध मत्स्येन्द्रियासन, ये भी इसका सिमिलर है. अर्ध मत्स्येन्द्रियासन टाइप 2 भी है. टोटल 3 पोस्चर आता है. अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रियासन. यही सेम वक्रासन पे जो लेग रखे थे ना, वैसे ही रखना है और जो बिछाए हुए लेग को ऐसे फोल्ड करना है. स्पाइन इरेक्ट कीजिए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए और सेम वक्रासन में कैसे पकड़े थे ना, वैसे ही पकड़ के पीछे देखना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, change. ऐसे. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Relax. Sorry. 12, 13, 14, 15. Relax.
15 किए थे। ओके, अब करेंगे टाइप टू अर्ध मत्स्येन्द्रियासन। ये भी सेम ऐसे ही फोल्ड करना है जैसे वक्रासन पे किए थे ना, वैसे ही। और राइट लेग हमने फोल्ड किया है, राइट हैंड से ही ऐसे घुमा के ट्विस्ट करके लॉक करना है। लॉक करके फॉरवर्ड बेंड कीजिए, आपकी बॉडी जितना सपोर्ट कर पाए उतना बेंड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ओके, ये किडनी के लिए अच्छा है और पैनक्रियास के लिए भी अच्छा है। लेफ्ट लेग से करेंगे, बेंड कीजिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। ओके, अब करेंगे ग्राइंडिंग। लॉक योर फिंगर्स, फिंगर्स को लॉक करके ग्राइंड कीजिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एल्बोस फोल्ड नहीं करते। 7, 8, 9, 10, रिवर्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। इसको बोलते हैं दंडासन या सुखासन। ओके, अब हम करेंगे वीरासन, सॉरी इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में, वज्रासन पे आप कैसे बैठते हैं, पांव को अंदर डाल के बैठते हैं, इसमें हम पांव को बाहर लेके आना है और धीरे से लेटने की कोशिश कीजिए। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। ये हमारी नीज के लिए, थाइस के लिए और बैक के लिए बहुत ही अच्छा है। नहीं टूटेगा, धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना। आपकी बॉडी जितना सपोर्ट करता है ना, बोन ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है, चांस इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं है, पर आपकी बॉडी जितना सपोर्ट करती है उतना ही करना है, ज्यादा उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। ओके, नाउ ओपन योर लेग्स। अब करेंगे चिन टचिंग। ये सभी ट्विस्टिंग पोस्चर बहुत इजी है करने के लिए, आपकी स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट मिलेगी। 1, 2, ओबेसिटी के लिए, शुगर के लिए, पैनक्रियास के लिए ये सभी अच्छा ही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,